आज की जो रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़्यादातर चाट में यूज़ होने वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी की ऐसी आसान रेसिपी जिसको कि आप घर में आसान तरीके से बना पाएंगे। ये जो इमली की चटनी होती है ना, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती है। इन दोनों तरह की चटनियों को हम कई तरह की चाट में यूज़ करते हैं, जैसे कि आलू टिक्की में, भेलपूरी में, कैनपीस चाट में, मटर चाट में, दही वड़े के अंदर, और भी इसके अलावा बहुत तरह की जो चाटें होती हैं उन सभी में ये दोनों तरह की चटनियाँ यूज़ में आती हैं। इसलिए इन दोनों तरह की चटनियों को हम ज़्यादातर घर में बना के रखते हैं। मैं तो इन्हें ज़्यादातर बना के ही रखती हूँ, जिससे कि जो चाट है ना हम इजीली फटाफट से बना सकते हैं। आपकी भी ये दोनों तरह की चटनियाँ एकदम परफेक्ट बने उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जिससे कि आपकी ये जो चटनी है एकदम परफेक्ट बनेंगी। और आप इन्हें कैसे स्टोर करेंगे मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं हूं कविता, हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बनाएंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए हम लेंगे ये इमली 100 ग्राम। ये मैंने छिली हुई इमली ली है, ये इस तरह की मार्केट में आती है, एक बीज वाली आती है, बीज वाली नहीं लेनी है हमें, ये छिली हुई इमली लेनी है। ये आपको नॉर्मल किसी भी स्टोर पर मिल जाएगी, प्रोविजनल स्टोर पर। अब इसमें डाल देंगे हम तकरीबन आधा कप पानी और इसे देखिए इसमें अच्छी तरीके से भिगो देंगे। भीगने के बाद में जो ये इमली है ना ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और इसे करीबन हम आधे से पौना घंटे के लिए भिगोएंगे। मैंने ये गर्म पानी में भिगा हुई है जिससे कि जल्दी से भीग जाए। देखिए उसके बाद में देखिए ये इमली जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और कितनी फूल गई है। अब क्या करेंगे, इसका जल्दी से गूदा निकले उसके लिए देखिए मिक्सर का मैंने जार लिया है, उसमें ये मैंने इमली पानी सहित डाल दी है। अब मिक्सर का ढक्कन लगाकर इसे हम रुक रुक के करीबन आधे से एक मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इसमें बीज नहीं है इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। बीज वगैरह आपको लग रहे हैं तो बीज निकाल के ही ग्राइंड करें। ग्राइंड करने से इसका गूदा बहुत जल्दी अलग हो जाता है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम एक बाउल के ऊपर रखेंगे स्ट्रेनर। अब इसे इसमें डालकर छान लेंगे स्पून से। देखिए इस तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे और गूदा नीचे अलग होता जाएगा और ऊपर देखिए ये अलग से इसके जो इसमें जो वो रेशा होता है ना वो अलग होगा। थोड़ा सा पॉट में डालकर पानी डाल देंगे, पानी हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें आधा कप पानी डाला है। अब इसका जो ऊपर का देखिए ये छिलका होता है ना ये अलग हो गया है और ये गूदा अलग हो गया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा ये जो इमली का जो पल्प है ना ये रेडी हो गया है। आप इस तरह का पल्प बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए अब ले लेंगे हम इसके लिए 300 ग्राम गुड़। 100 ग्राम इमली के लिए 300 ग्राम गुड़ सफिशिएंट है। गुड़ को देखिए थोड़ा छोटा छोटा करके कट कर लेंगे जिससे ये इसमें जल्दी से पिघल जाएगा। साबुत पीस नहीं डालेंगे गुड़ के। अब देखिए चटनी के लिए गुड़ तैयार है। अब ले लेंगे कोई भी कढ़ाई या फिर पैन, फ्लेम पर रखेंगे हाई, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कोई भी ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, उसके बाद में डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा, जीरे को तड़कने देंगे, उसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और कुछ मसाले डालेंगे अभी इसमें। अब इसमें डालेंगे हम इमली का जो पल्प हमने तैयार किया था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को रखेंगे हम यहाँ पर मीडियम। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूँ। देखिए अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना गाढ़ा होना चाहिए ये पानी का, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें और कम भी नहीं है। अब इसको हम उबालने देंगे। अब देखिए इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे गुड़ जो कि अभी हमने कट करके तैयार किया था। मिक्स कर लेंगे अब और इसे बॉईल होने देंगे। हमें ये अच्छी तरीके से बॉईल करना है क्योंकि इसे हम स्टोर करके रखते हैं तो जो चटनी है ना ये अच्छी तरह से उबलनी चाहिए जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब इसमें डाल देंगे हम कुछ चीज़ें। 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक से इमली की चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और ये डाल रही हूँ मैं इसमें आधी चम्मच ही काली मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे अब बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए इसे उबलते हुए तकरीबन अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं। अभी इसे और बॉईल करेंगे हम 3 से 4 मिनट। अब देखिए ये चटनी की जो कंसिस्टेंसी है अब देखिए कितनी थिक हो गई है और ये बहुत बढ़िया हमारी जो है ना चटनी बनके तैयार हो रही है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है सब मसालों की वजह से। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच किशमिश।
और एक बड़ा चम्मच भरकर ही मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए ये छुआरे यानी कि डेट्स। चार छुआरों को मैंने काट लिया था। ये दोनों डालना इसमें ऑप्शनल है। अगर आप पारंपरिक तरीके से इमली की चटनी बनाएंगे तो इसमें दोनों चीज़ डलती है। अब इन दोनों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको डालने के बाद में इसे हम 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। अब देखिए ये हमारी ये इमली खट्टी मीठी चटनी जो है ना अब रेडी हो गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, इसको एक बार मैं आपको बिल्कुल इसको बता रही हूँ कि ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। ठंडी होने के बाद में ये और थिक होगी, इससे ज़्यादा इसलिए थिक नहीं करेंगे। अब फ्लेम को यहाँ बंद कर देंगे और ये जो है हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे हम एक बाउल में। ये चटनी सभी तरह की चाट में आपको पता है यूज़ में आती है और इस चटनी से ही टेस्ट जो है चाट का बहुत बढ़ जाता है। आप इस चटनी को आराम से फ्रिज में रख कर 1 महीने से 2 महीने तक रख के स्टोर कर सकते हैं। किसी भी कांच के बाउल में भर के रखिए, प्लास्टिक में भर के मत रखिएगा। और इसका कैप लगाकर इसे मैं रखूँगी फ्रिज में और जो दूसरी हमारी जो चटनी हमने बाउल में रखी है ना इसको हम लेंगे यूज़ में चाट बनाने के लिए। अब दूसरी तरह की चटनी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। मैंने आपके संग कई तरह की ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर की है, एक ये वाली और कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है साफ़ किया हुआ धुला हुआ ये करीबन 100 ग्राम धनिया यानी कि एक गड्ढी धनिया। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर ये 5 से 6 मिर्चें। ये मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने ये ली है। और ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसको थोड़ा सा काट के डालेंगे जिससे चटनी में ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। कितनी बार अदरक अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है साबुत डालने से। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून जीरा और ये 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें हींग। और ये डाल देंगे हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नमकीन। नमकीन आप इसमें कोई सी भी डाल सकते हैं। और ये डाल रही हूँ 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े, इससे चटनी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है। और अब डाल देंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून भरकर नींबू का रस। अगर आपके पास अभी ताजी अमियाँ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी। अब इसे ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक इसको हम पीस लेंगे चटनी को। देखिए चटनी को ग्राइंड करने के बाद में हमारी ये चाट वाली चटपटी हरी चटनी तैयार हो गई है। इस चटनी को बनाने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है। आप इस चटनी को फ्रिज में करीबन 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो आप इसे 10 से 15 दिन के लिए यूज़ में रख सकते हैं। देखिए अब इसे मैं कांच के जो जार में कर रही हूँ ना इसे रखूँगी मैं फ्रीज़र में, क्योंकि मुझे ये स्टोर करके रखनी है। मेरे चटनी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो हमने बाउल में निकाली है उसको हम डालेंगे चाट में। तो लीजिए हमारी दोनों तरह की चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब आप जल्दी से कोई भी तरह की चाट बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आपने ये चटनी का यूज़ किस तरह की चाट में किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि आपने मेरी रेसिपी बनाई है कि नहीं बनाई। तो आप जल्दी से अब वीडियो में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।